मैं तो तैयार हूँ भाई। अब दी की शादी में जो कसर रह गई थी ना, वो मैं आपकी शादी में पूरी करूंगी। अब छोड़ो ना भाई, अपना मूड ठीक करो। अवनी दी को ससुराल मिल गया और आपको मिलने वाला है। अब इसी खुशी में प्लीज मेरे लिए जॉब ढूंढो ना। वैसे भाई थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरे सर से शादी की तलवार हटाने के लिए। अब आपकी शादी के बाद कम से कम एक साल तक दादी मेरी जान तो नहीं खाएगी शादी करने के लिए, और फिर आराम से मैं रिलैक्स होके जॉब कर सकूं। अब चलो इंटरनेट पे मेरी जॉब ढूंढने के लिए मेरी मदद करो ना प्लीज। मां बाबूजी, मैं बच्चों को तो एक बार पूछ लेना चाहिए ना। हमारे घर में बच्चे इतने बड़े नहीं हो गए कि बड़ों के फैसले पर वो अपनी राय जताए। उन्हें आज तक हमसे जो भी मिला है बेहतरीन मिला है, चाहे वो संस्कार हो या रिश्ते। हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी पोती से पूछ सकते हैं। ना ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। हमारे घर में भी बिल्कुल आप जैसा ही माहौल है। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो आपका परिवार अच्छा लगा हमें। हालांकि आप चाहें तो इस बारे में एक बार सोच सकती हैं। वसुंधरा जी, जहाँ सोच गहरी हो वहाँ फैसले कमजोर हो जावे हैं। हमारा रिश्ता आप जैसे समझदार और संपन्न परिवार से हो रहा है, इससे ज्यादा हमें और का चाहिए। मान जैसा दामाद मिलना वाकई सौभाग्य की बात है। वो है तो अग्रिम और लता का बेटा, पर हमने पाला है उसे, उसके हर सीख और संस्कार में वसुंधरा प्रजापति की सोच शामिल है। अब वसुंधरा जी, आप जैसी सोच और रुतबा जिसका हो वह ना कैसी। अब मैं तो कहूँ आप सगुन लीजिए।